ओके हेलो एवरीवन, दिस इज महेंग बत्रा। इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, हम कवर करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ए एन और द। जो आर्टिकल्स हमारे पास हैं इंग्लिश में वह ए एन और द। इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली द की ही बात करेंगे और द को पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स पढ़ेंगे, फिर हम अर्थ पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर इंडिया पढ़ेंगे। इन थोड़ी ट्रिक्स की मदद से हम क्या कर पाएंगे, जल्दी समझ पाएंगे आर्टिकल द को। देखो यूनिवर्स में क्या है, अर्थ के बाहर क्या है, सारा यूनिवर्स ही है और अर्थ भी यूनिवर्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो जो भी ब्रह्मांड के अंदर चीज़ें आपको मिलती हैं, चाहे वो तारे हैं, देखो स्टार्स मिलते हैं आपको, चाहे वो चांद है, चाहे वो सूरज है, चाहे वो अर्थ है, यानी कि जो ब्रह्मांड में चीज़ें मिलती हैं उसके पहले क्या लगाना है, हमने द लगाना होता है। क्या लगाना है, द लगाना होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है ना, द स्टार्स, यहाँ तक ब्रह्मांड हो गया। इनके पहले हमने क्या लगाना, द लगाना। अब देखो अब हम क्या करते हैं, अर्थ के ब्रह्मांड से आते हैं अर्थ के अंदर। अब अर्थ के अंदर क्या देखते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट है इक्वेटर। ये अर्थ को जो दो हिस्सों में बांटती है उसमें क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ये क्या है, इक्वेटर की लाइन है। ये लाइन क्या है, इक्वेटर की लाइन है। इक्वेटर के पहले क्या लगता होता है, द लिखा जाता है, ठीक है ना। फिर क्या, अर्थ के पोल्स हैं, देखो ये के ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल है, नीचे क्या है, साउथ पोल है, ठीक है ना। अर्थ में क्या है, दो पोल्स हैं, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाला पोल क्या है, ये पोल क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये पोल क्या है, साउथ पोल है। इनके पहले, नॉर्थ पोल के पहले द लिखा जाता है, साउथ पोल के पहले क्या है, द लिखा जाता है। इसी तरह से कोई पहाड़ की बात हो, ओशियन की बात हो, देखो अर्थ है तो अर्थ में क्या है, पहाड़ भी हैं, ये पहाड़ है, ये हवा चल रही है, हवाएँ हैं, ओशियन हैं, इनके पहले द लगेगा। जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, देखो स्काई हो गया अर्थ का पार्ट, इक्वेटर हो गया, ठीक है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सी, ओशियन, एयर, विंड, इनके पहले माउंटेन, इनके पहले क्या दलकता होता है, तो रेन, रेन के पहले क्या दलकता होता है। ये थोड़े से पढ़ लेंगे तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ लिया, पहला हमने पॉइंट पढ़ लिया कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है ना। ब्रह्मांड के अंदर क्या है, बहुत सारे चांद हैं, तारे हैं, सूरज है, ठीक है ना, इनके पहले क्या द लगेगा। फिर हम अर्थ में गए, अर्थ में पोल्स के साथ क्या लगता है, सबसे द्वारा रखते हैं, यूनिवर्स से स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्स के लिए द लगेगा। अब यूनिवर्स में क्या सन है, द लगेगा, मून, अर्थ, स्टार्स, द लगेगा। अब हम यूनिवर्स से आगे अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर इक्वेटर के भी द लगेगा, पोल स्टार, पोल स्टार भी यूनिवर्स का पार्ट है, द लगेगा, ठीक है ना। इक्वेटर के अंदर आगे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, द लगेगा। ओशियन के पहले द लिखा जाता है, ओशियन है, एयर है, सी है। अब एयर का ही रूप है विंड, विंड विंड का ही रूप है स्मोक, इनके द लगेगा, ठीक है ना। और पहाड़ों से नदियाँ निकलती, पहाड़ों से पहले द लगता होता है और रेन के पहले द लिखा जाता है। अभी आपने इतने ही ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखो अब ये हम आगे अर्थ के अंदर, अब अर्थ के अंदर क्या पढ़ लिया, ये जो पोल है इसके पहले क्या द लगेगा, द नॉर्थ पोल होगा, द साउथ पोल होगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रखी है, ये ईस्ट और ये है वेस्ट, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, और ये क्या है नॉर्थ वेस्ट। कोई भी डायरेक्शन लिखी आ जाए इसके पहले आपने क्या द लिखना होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल सिखाता हूँ आपको ताकि वो अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देखो अब यहाँ पे अर्थ दिखा रखी है और अर्थ के आसपास के डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इनके पहले क्या द लगता होता है, इनके पहले क्या लगता होता है, द लगता होता है। जैसे एग्जांपल सीखते हैं, जब यहाँ पे देखो आर्टिकल को हम तीन चार वीडियो में कवर करेंगे, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, ये सब के अपवर्ड डाउनवर्ड ये भी दिशा को दिखाते हैं। ठीक है ना, अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब अगला हम पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, देखो ये आ गई अर्थ। अब हम क्या गए, अर्थ के अंदर आ गए। अब अर्थ में हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो अर्थ के अंदर क्या, एक तो समुंदर है, ठीक है ना। अर्थ में क्या है, समुंदर है। जैसे अगर आप इस मैप को देखोगे तो देखो अर्थ में पहाड़, एक तो ज़मीन है, एक समुंदर है, एक पहाड़ है, रेगिस्तान है। देखो ये क्या है, जो आपको पानी वाला एरिया है सारा समुंदरी समुंदर है। ये पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है। नीचे है अंटार्कटिक ओशियन और ऊपर है आर्कटिक ओशियन,
ठीक है ना। अब देखो अर्थ में क्या है, कोई चाहे पैसिफिक ओशन मिले आपको, चाहे अटलांटिक मिले, चाहे इंडियन मिले, चाहे अंटार्कटिक मिले, चाहे आर्कटिक मिले, कैसा भी ओशन लिखा मिले इसके पहले क्या द लगता होता है। जैसे एग्जाम्पल सीखते हैं, कैसा भी ओशन मिले क्या मिलेगा, द मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक, अंटार्कटिक, सभी द लगा हुआ। सारे ओशन के पहले क्या है, द लगता होता है। अब ओशन में द लिखा आ गया, अब इसके आगे आ गए हम नदियों में, ओशियंस के पहले आ गए हम सी के अंदर। जैसे अब देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अब देखो ये तो ओशियंस हो गए, अब ओशियन का जैसे ये है, ये रेड सी है, रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ऐसे यहाँ पे कैप्सियन सी है, ब्लैक सी है। कोई भी सी लिखा मिले इसके पहले द लिखा मिलेगा, ठीक है ना। क्या लिखा मिलेगा, द लिखा मिलेगा। द रेड सी, द अरेबियन सी, द कैप्सियन सी, द ब्यूफोर्ट सी, द रेड सी, द मेडिटेरियन सी, द ब्लैक सी, द अजोब सी। तो सी के पहले क्या लगता होता है, द लगता होता है। तो हमने ये पढ़ लिया, अभी देखते हैं क्या पढ़ लिया। ब्रह्मांड में चीजें मिलेंगी, द लगेगा। स्टार्स, सन, मून, अर्थ, द लगेगा। इक्वेटर के पहले द लगेगा। पोल्स के पहले, द नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिशाओं के पहले द लगेगा। हवा, माउंटेन, विंड, स्मोक, वेदर, स्काई, इन वर्ड्स के पहले, ओशियन के पहले द लगेगा, सी के पहले द लगेगा। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, दिशाओं के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे ईस्ट है, द ईस्ट होगा, द वेस्ट होगा, द नॉर्थ होगा, द साउथ होगा। इसके बाद हम गए यहाँ पे, देखो इस इसमें हमने क्या पढ़ा, जैसे ये हमारा फिजिकल मैप है। अब पूरी पृथ्वी पे क्या है, तो समुंदर है, ओशियंस है, जिसको हम महासागर बोलते हैं। तो ये पांच है, पाई है, पी पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन, और ऊपर है आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक। इनके पहले क्या द लगेगा, इनके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक। तो ये दो हमारे क्या हो गए, महासागर हो गए। फिर हमारे सी आ गए। अब सी के बाद आता है रिवर। अब रिवर जैसे मान लो इंडिया में क्या, जैसे यहाँ पे इंडिया में गंगा नदी है, तो द लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो नाइल है, नाइल नदी है अफ्रीका में, यहाँ पे बहती है, तो द लगेगा। ऐसी अमेजन है, तो द लगेगा, ठीक है ना। तो कोई जो नदियाँ हैं, चाहे वो गंगा है, चाहे वो नाइल है, यहाँ पे नाइल नदी है, यहाँ पे है अमेजन, ठीक है ना। ये गंगा नदी का लिखा रखा है, गंगा इंडिया में है। तो कोई भी नदी हो इसके पहले क्या द लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नदियों के एग्जाम्पल देखते हैं, अभी ये नदियों के नाम लिखा रखे हैं, द गंगा, द थेम्स। थेम्स कहाँ पे है, यूके के अंदर है। आपको हर नदी का ना लोकेशन अगर मालूम है मैप के ऊपर, तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी, द कोसी, द कांगो, द अमेजन, द मिसिसिपी, द हुआंगो, द इंडस, द डजाला, द इराबदी। अब ये क्या नदियों के नाम है, ठीक है ना। अभी तक अपने क्या क्या पढ़ लिया, अपने ये पढ़ लिया ब्रह्मांड के पॉइंट्स, अर्थ के कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए, इनके पर डाला लगेगा, ठीक है ना। और फिर हम आगे नदियों, महासागर में, फिर सागर में, फिर नदियों में, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब देखो अब अपन क्या पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब देखो पृथ्वी पे पहाड़ भी हैं, पहाड़ क्या है, जैसे अब ये मान लो कि इंडिया है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पे इंडिया है, मेरा इंडिया। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में यहाँ पे पहाड़ है, जैसे यहाँ पे क्या हिमालय पर्वत है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे एटलस माउंटेन्स है, ठीक है ना। ऐसे मतलब कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों के नाम के पहले क्या लगता है, द लगता होता है। क्या लगता होता है, द लगता होता है। जैसे द हिमालयाज होगा, ठीक है ना, द एटलस होगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, जैसे ऐसी पूरी दुनिया में क्या है, जैसे थार डेजर्ट है, ये डेजर्ट क्या, थार डेजर्ट है। ऐसी जो है सहारा डेजर्ट है, ये क्या, सहारा डेजर्ट है। ये क्या आ गया, सहारा डेजर्ट आ गया। ऐसी ये क्या आ गया, थार डेजर्ट आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे भी डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, ये कालाहारी डेजर्ट। तो ऐसी ऊपर क्या है, यहाँ पे समवेयर हियर, चेक एग्जैक्ट आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, गोबी डेजर्ट है। तो कहने का क्या मतलब है, कोई भी डेजर्ट लिखा मिले उसके पहले क्या लगता लगता होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल सिखाता हूँ, कोई डेजर्ट लिखा मिलेगा तो क्या लिखा मिलेगा, आपको द लिखा मिलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल्स। देखो डेजर्ट्स आगे, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द काराकुम डेजर्ट, द सोमाली डेजर्ट, द मुजाब डेजर्ट, द गोबी, ठीक है ना। इनके पहले द लगता होता है। लेकिन अगर आप डेजर्ट को पहले की तौर ऑफ लगा दो, तो आप
बी अब द लगा देते हो द डेजर्ट ऑफ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखे मरुस्थल या रेगिस्तान के नाम के पहले द लिखा जाता है, दर्ट सारा डेजर्ट द थार डेजर्ट टक्कर, ये हमें पढ़ लिया पॉइंट। अब इसके बाद हम अर्थ से आगे इंडिया के अंदर, अर्थ से कहाँ पे आगे हम इंडिया में आते हैं। देखो हमने पहले रेलवेस पढ़ लिया, हमने अर्थ पढ़ ली, ठीक है ना, अर्थ के हम इंडिया में आ गए। अब देखो इंडिया को समझते हैं, इंडिया ही है ना, इंडिया। अब इंडिया को थोड़ा सा मैप बनाते हैं, अब देखो अब इंडिया को समझते हैं। अब देखो इंडिया में क्या है, इंडिया को समझने के लिए क्या, मान लो ये इंडिया का मैप, रफ मैप का बना रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। अब ये इंडिया हो गया। अब इंडिया में क्या है, तो सब धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। अब देखो एक धर्म के लोगों को इकट्ठा कैसे बोलते हैं, जैसे सबके सब हिंदुओं की बात करनी, क्या लिखोगे, द हिंदूज, क्या लिखोगे, द हिंदूज, ऐसी द सिख्स, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो एस लग जाता होता है मुस्लिम्स, ऐसी द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस, तो इसमें क्या एस लग जाएगा। अब देखो जैसे एग्जांपल में दिखाता हूँ, जितने भी धर्म के लोगों को समूह को बताना है, इसमें सबके सवाल है, तो क्या लिखे, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स, द ज्यूज, द सिख्स, द पर्शियंस, ठीक है ना। अब देखो जितने भी धर्म है इन सबके क्या है, एक तो द लगाना है इनकी कम्युनिटी के पहले, ठीक है ना। ऐसी सबके धार्मिक बुक्स हैं, हिंदू की अपनी धार्मिक बुक्स हैं, सिख की अपनी है, ईसाइयों की अपनी है, मुस्लिम्स की अपनी है, तो हर कम्युनिटी की अपनी धार्मिक बुक्स हैं, तो इनके पहले क्या लगता होता है, द लगता होता है, इनके पहले क्या लगता होता है, द लगता होता है। इसमें एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द गीता, द महाभारत, द कुरान, द पैराडाइज लॉस्ट, द पुराणास, द रामायण, द बाइबल, द इलियाद, द उपनिषद्स, द ओडिसी। अब ये क्या रिलीजियस बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स के पहले क्या है, द लिखा जाता है, ठीक है ना। अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, देखो जैसे हमने ये पढ़ा कि हिंदू, सबके सब हिंदू की बात करेंगे तो द हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ये ऐसा हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखो अगला पॉइंट हमारा पता है क्या है, अगला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, जिस तरह से द हिंदूज होते हैं ऐसे सबके सब भारतीयों क्या बोल रहे हैं, इंडियंस, द इंडियंस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक देश के लोगों को कलेक्टिवली, आपको नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को देखो, तो सबके सब एशियन में द एशियंस होते हैं, सबके सब चाइनीज क्या होंगे, द चाइनीज, द अमेरिकन, द इंग्लिश, द डच, द इटालियंस, द इंडियंस, द रशियंस, द नेपालीस, द जापानीस, तो इस तरह से वर्ड्स रहते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, फिर हम इसके बाद आगे करेंगे, इस वीडियो में अपन रिवाइज कर लेते हैं, चलो करें रिवाइज। अब देखो अपन क्या क्या पढ़ लिया, हमने हमने पहला पॉइंट ये पढ़ लिया कि यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें हैं, इसी इसमें क्या आ गया, स्टार्स आ गए, ठीक है ना, इसमें सन आ गया, इसमें मून आ गया, अर्थ आ गया, मून आ गया, अर्थ आ गई, इनके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। फिर हम यूनिवर्स के लिए अर्थ के अंदर, अब अर्थ के अंदर हमने क्या लिखा, देखो जो जैसे ये है, ये अर्थ है, तो इसको इक्वेटर है, इक्वेटर के लिए क्या लगता होता है, द लगता होता है। इसी तरह से पोल्स के लिए क्या लगता होता है, द लगता होता है। ऐसी पहाड़ों के लिए क्या लगता होता है, द लगता होता है। ओशियंस के लिए क्या लगेगा, द लगेगा। सी के लिए क्या लगेगा, द लगेगा। विंड के लिए क्या लगेगा, द लगेगा। स्मोक के लिए क्या लगेगा, द लगेगा। हमने पढ़ लिया। फिर हमने ये पढ़ा अर्थ के अंदर कि कोई भी डायरेक्शन है, चाहे वो ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी ईस्ट, इसको मैं इधर बताऊँ, तो ये वेस्ट हो गया, ओके, चाहे वेस्ट डायरेक्शन की बात हो, ठीक है ना, चाहे ईस्ट की बात हो, चाहे नॉर्थ की बात हो, चाहे साउथ की बात हो, डायरेक्शन कोई मर्जी हो, इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिया, डायरेक्शंस पढ़ लिए, पोल्स पढ़ लिए। फिर हम गए अर्थ में, हमने क्या देखा, फिजिकल में देखा, कोई भी ओशन आ जाए, पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, इनके बाद द लगेगा। ओशन से हम गए सी के अंदर, कोई भी सी आ जाए तो भी क्या लगेगा, द लगेगा। सी के अंदर गए हम, सी से हम गए नदियों के अंदर, कोई भी नदी आ जाए तो क्या लगेगा, द लगेगा। ये हमने फिर हमने क्या पढ़ा, पहाड़ों के नामों के पहले द लगता होता है, और डेजर्ट्स के नामों के पहले क्या लगता है, द लगता होता है। इतना करने के बाद हम गए इंडिया के अंदर, हम कहाँ पे गए, इंडिया में गए,
और इंडिया में जाने के बाद हमने क्या देखा कि देखो सबके सब इंडियन को क्या बोलेंगे, द इंडियंस, सबके सब चाइनीज को द चाइनीज, इस तरह से हमने पढ़ लिया। फिर क्या, इंडिया में जो धार्मिक लोग हैं जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इनके पहले डाला जाता है, और इनकी जो बुक्स होती हैं धार्मिक बुक्स होती हैं इसके पहले भी क्या लगता है डाला जाता है, जैसे द गीता, द महाभारत, द रामायण, ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया आर्टिकल द के बारे में। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, बाय बाय।